हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस हैं 29 जनवरी 2020 के। आपसे मैं लास्ट में एक क्वेश्चन भी पूछूंगा और कल के क्वेश्चन का आंसर भी दूंगा मैं। ओके, तो इसका पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हो। वीडियो खत्म होने से ठीक पहले मेरे बगल में डाउनलोड का लिंक आ जाएगा, तो लाइक बटन जरूर करना। क्वेश्चन होगा पहला, ऑक्सफर्ड ने किस शब्द को हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2019 घोषित किया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, इसका आंसर होगा संविधान। ओके, यहाँ बात हिंदी ऑफ द ईयर की, हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर की हो रही है। ओके, देखिए ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने इस शब्द को यानी संविधान को ये घोषित किया है। ऑक्सफर्ड ने यह कहा है कि इस शब्द ने पिछले साल व्यापक स्तर पर अपनी ओर ध्यान खींचा, इसलिए भी चुना गया क्योंकि 2019 में यानी पिछले साल लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के मूल्यों पर संविधान की कसौटी पर इन सबको परखा गया था। ओके, तो अभी भी जो भी मूवमेंट हो रहे हैं, अभियान चल रहे हैं, उन सब में संविधान की बात जरूर की जाती है कि हमारा देश संविधान के अनुसार चले। ओके, देखिए कैसे चुना गया, तो ये फेसबुक के जरिए शब्द मांगे गए थे और उसमें बहुत सारे शब्द मिले, तो एक सलाहकार समिति ने इस शब्द को चुना है। अच्छा, अगर क्वेश्चन आए कि 2018 में कौन सा शब्द था हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर ऑक्सफर्ड का, तो वो था नारी शक्ति। ओके, और अगर बात हो कि इंग्लिश वर्ड ऑफ द ईयर 2019 क्या है ऑक्सफर्ड का, तो वो है क्लाइमेट इमरजेंसी। देखिए मैंने कुछ वक्त पहले ही इसके बारे में बताया हुआ था। ओके, ये भी हो सकता है क्वेश्चन कि ऑक्सफर्ड का वर्ड ऑफ द ईयर क्या है 2019 का, तो वो होगा क्लाइमेट इमरजेंसी, या इंग्लिश भी शब्द लिखा जा सकता है। और हिंदी की बात होगी, हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2019, तो संविधान तो है ही। देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन पिछली बार हमने देखे हैं, कई सारे एग्जाम में आए हैं, इसलिए मैंने थोड़ा फोकस किया। अगला क्वेश्चन लेते हैं, और उससे पहले मैं बता दूं कि कोरोना वायरस को लेकर कल के वीडियो में काफ़ी डिटेल होगा, तो कल वाला वीडियो जो है मॉर्निंग को देखना मत भूलना। ओके, 30 जनवरी का जो वीडियो होगा उसमें कोरोना वायरस को लेकर काफ़ी कुछ उसमें हम डिटेल देंगे। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका में भारत के नए राजदूत कौन है? अभी हाल ही में ये तैनात किए गए नए राजदूत, इसका आंसर होगा तरनजीत सिंह संधु। नाम ध्यान रखना। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट जो है जैसे चाइना, अमेरिका, इन सब के जो है, या रसिया, वहाँ के जो राजदूत हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ओके, तो अमेरिका में अभी जो है वो हर्षवर्धन श्रृंगला जो हैं वो राजदूत हैं भारत के, लेकिन अब हो जाएंगे तरनजीत सिंह संधु। ओके, और तरनजीत सिंह संधु इस वक्त श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त के रूप में काम कर रहे हैं। ओके, भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं 1988 बैच के। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, भारत में पहली बार पानी के नीचे यानी अंडर वाटर मेट्रो सुरंग का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है, किस रिवर पर किया जा रहा है? इसका आंसर होगा हुगली। देखिए ये अब पूरा होने को है, मार्च 2020 तक, यानी अभी कुछ ही महीने में ये पूरा हो जाएगा, उसके बाद यहाँ मेट्रो चलने लगेगी। ओके, तो जो हुगली नदी है वो, उसको मेट्रो से पार करने में 1 मिनट का वक्त लगेगा। सुरंग की लंबाई है 520 मीटर। ओके, और ये सुरंग जो है वो हुगली नदी के जल स्तर के 100 फीट नीचे होगा, मतलब कि 10 मंजिला इमारत के बराबर नीचे। देखिए हुगली नदी को अगर नाव से पार करते हैं तो 20 मिनट का वक्त लगता है, हावड़ा ब्रिज भी है उससे पार करने में 1 घंटे का वक्त लगता है, लेकिन 1 मिनट का सिर्फ वक्त में लगेगा। ओके, तो ये पहला है, कुछ भी जो अगर पहला क्वेश्चन होता है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। और कोलकाता में जो मेट्रो है वो सबसे पहले शुरुआत हुई थी इंडिया में, ओके, 1984 में, और अब वहाँ पर अंडर वाटर मेट्रो सुरंग जो है पहली बार बन रहा है इंडिया में वहीं पर। दोस्तों पसंद आ रहा हो लाइक बटन जोर दबाइएगा। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं, कलकत्ता विश्वविद्यालय ने जनवरी 2020 में किस नोबल प्राइज विजेता को डीलिट की उपाधि से सम्मानित किया? इसका आंसर होगा अभिजीत बनर्जी। ओके, जो इंपॉर्टेंट पर्सन है अगर उनको डीलिट की उपाधि दी जा रही है, तो भी क्वेश्चन हमने देखा है कई बार SSC के एग्जामिनेशन में आए हैं। ओके, तो ध्यान रखना आप। तो कोलकाता यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर हैं सोनाली चक्रवर्ती, तो उन्होंने डीलिट की उपाधि दी, मानद उपाधि। देखिए बनर्जी जो हैं वो, उन्होंने तत्कालीन प्रेसिडेंसी कॉलेज से अर्थशास्त्र में स्नातक किया था और कलकत्ता यूनिवर्सिटी में 1981 में वो फर्स्ट स्थान पर आए थे। अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है,
गणतंत्र दिवस 2020 की परेड में किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला? इसका आंसर होगा असम। ओके, देखिए इस गणतंत्र दिवस समारोह में अभी 26 जनवरी को राज्यों की 16 झांकियां प्रदर्शित की गई थी। ओके, और इसमें असम की जो झांकी है उसके द्वारा राज्य की विशिष्ट शिल्पकला और संस्कृति को दर्शाया गया था, तो आप फोटो में भी देख रहे हो। ओके, तो उसको फर्स्ट स्थान मिला है सर्वश्रेष्ठ का, और असम के बाद दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश और ओडिशा है, संयुक्त रूप से उत्तर प्रदेश और ओडिशा। तो ओडिशा की झांकी में भगवान लिंगराज की रुकना रथ यात्रा को दर्शाया गया था, जबकि उत्तर प्रदेश की जो झांकी थी उसमें राज्य की सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहर को दर्शाया गया था। तो ये सब चीज़ आप ध्यान रखना। और एक और बात बता दूं आपको कि जल शक्ति मंत्रालय और राष्ट्रीय आपदा राहत बल की झांकियों को ने मंत्रालय और विभागों की श्रेणी में पहला स्थान प्राप्त किया। तो अगर क्वेश्चन आए कि मंत्रालय और विभागों की श्रेणी में किस झांकी ने पहला स्थान प्राप्त किया, तो जल शक्ति और राष्ट्रीय आपदा राहत बल की झांकी ने। ओके, और केंद्रीय लोक निर्माण विभाग यानी CPWD ने कश्मीर से कन्याकुमारी के थीम पर एक आधारित झांकी थी, वो विशेष पुरस्कार के रूप में जीता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, केरल, पंजाब और राजस्थान के बाद किस चौथे राज्य ने विधानसभा में नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी CAA के खिलाफ प्रस्ताव पास किया? इसका आंसर होगा पश्चिम बंगाल। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए अभी 27 जनवरी को ही विधानसभा में प्रस्ताव पेश किया गया, उसमें ये था कि केंद्र सरकार से ये मांग की गई एक तरह से कि CAA को रद्द किया जाए और नागरिक राष्ट्रीय नागरिक पंजीकरण यानी NRC का जो क्रियान्वयन है, इसके अलावा NPR है राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, उसकी योजनाओं को भी निरस्त कर दिया जाए। और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ये कहा कि पश्चिम बंगाल में हम CAA, NRC और NPR को नहीं लागू होने देंगे, विधानसभा में कहा, और कहा कि शांतिपूर्ण रूप से लड़ाई जारी रखेंगे। ओके, और ये जो आंदोलन है, उन्होंने कहा कि देशभर में जो आंदोलन चल रहा है वो सिर्फ अल्पसंख्यक का नहीं है बल्कि सभी का, हिंदू भी इसमें शामिल है। तो एक तरह से रंग देने की जो कोशिश हो रही है केवल मुसलमानों की, ऐसा नहीं है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, कतर के नए प्रधानमंत्री कौन है? हिंट देता हूं, बहुत लंबा नाम है। इसका आंसर होगा शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्देल अजीज अल थानी। ओके, तो ये नाम है उनका, काफी लंबा नाम है। और वो किसका स्थान लेंगे? तो सी वाला जो आंसर है, सी, उसका स्थान लेंगे वो, डी वाले। ओके, तो किसका स्थान लेंगे? शेख अब्दुल्लाह बिन नासिर बिन खलीफा अल थानी का स्थान लेंगे। ओके, डी आंसर इसका है एक्चुअल में। ओके, तो कतर की बात हो रही, राजधानी क्या है? दोहा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, भारतीय बैंक एसोसिएशन के नए CEO का नाम बताएं। इसका आंसर होगा सुनील मेहता। ओके, देखिए पंजाब नेशनल बैंक के वो MD हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर, तो उनको भारतीय बैंक एसोसिएशन का एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी CEO बनाया गया। उन्होंने किसका स्थान लिया है? VG कन्नन का लिया। ओके, ये जो संगठन है वो भारतीय बैंकों और वित्तीय संस्थानों का समूह है। स्थापना कब हुई थी इसकी? तो 26 सितंबर 1946 को। मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। ओके, और सदस्य कितने हैं? 237 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, निजी क्षेत्र के बैंक, विदेशी बैंक जिनका कार्यालय भारत में है, कॉपरेटिव बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और वित्तीय संस्थान, ये सब उनके मेंबर है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, मशहूर खिलाड़ी कोबी ब्रायंट, उनका हेलीकॉप्टर दुर्घटना में 26 जनवरी 2020 को अमेरिका में मौत हो गई, तो किस खेल से जुड़े थे? बहुत मशहूर खिलाड़ी थे इसलिए एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर होगा बास्केटबॉल। ओके, और किस नाम से वो मशहूर थे? ब्लैक मांबा। ओके, इस नाम से वो काफ़ी प्रसिद्ध थे, ब्लैक मांबा। 41 ईयर के थे और हेलीकॉप्टर दुर्घटना में उनके साथ साथ उनकी जो 13 साल की बेटी थी ज्ञानी, उनकी भी मौत हो गई। ओके, और आपको बता दूं कि कोबी ब्रायंट जो थे वो दुनिया की सबसे जो मशहूर खेल लीग है उनमें से एक, अमेरिका की नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन यानी NBA के लीग में 20 सीजन खेल चुके थे, उसके खिलाड़ी थे वो। अगला क्वेश्चन लेते हैं, किस एयरलाइंस में सरकार की 100% हिस्सेदारी बेचे जाने के लिए निविदाएं यानी
टेंडर आमंत्रित की गई हैं? इसका आंसर होगा, सब जानते हैं, एयर इंडिया। ओके, देखिए काफ़ी घाटे में चल रही थी, काफ़ी कर्ज है उस पर। पिछले साल पिछले वित्तीय वर्ष में ऐसा जो मीडिया रिपोर्ट है 8,556 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। हालांकि 2017 में 105 करोड़ रुपए का फ़ायदा हुआ था एयर इंडिया को। ओके, तो देखिए अमित शाह यानी गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में एक मंत्री समूह का गठन हुआ था, तो उसी ने 7 जनवरी को इस सरकारी विमान कंपनी के निजीकरण के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी और अब इसको बेचने की प्रक्रिया शुरू हुई है, टेंडर जारी किया गया है। ओके, तो इंडियन एयरलाइंस के जो CMD कौन है, चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर अश्विनी लोहानी। ओके, अच्छा कल मैंने क्वेश्चन पूछा था कि किस एक्ट्रेस, किस डायरेक्टर और किस सिंगर को पद्मश्री अवार्ड देने की घोषणा की है, तो बहुत लोगों ने इसका आंसर दिया, बहुत अच्छा लगा, कई लोगों के आंसर सही थे। इसका आंसर है कंगना रनौत, करण जौहर और अदनान सामी। ओके, और आज का सवाल है कि कोरोना वायरस सबसे पहले किस देश में पाया गया, बहुत आसान जवाब है, मुझे लगता है आपको पता होगा, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना। और इस पर कोरोना वायरस पर, इस पर मैं कल काफ़ी डिटेल में बताऊंगा, इसके बारे में जो भी क्वेश्चन हो सकते हैं सब कुछ बताऊंगा। ओके, और हाँ दोस्तों, 2019 का जनवरी से लेकर दिसंबर तक का जो करेंट अफेयर्स है उसका PDF अवेलेबल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में, आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना। ओके, और 5 घंटे का नॉन स्टॉप वीडियो भी है। अभी जो एग्ज़ाम होने वाले हैं SSC CGL, इसके अलावा जो रेलवे के एग्ज़ाम होने वाले हैं उन सब में बहुत काम आएगा आपका। ओके, और हाँ अभी जो आप देख रहे हैं 29 जनवरी 2020 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, उसका PDF मेरे बगल में अवेलेबल हो गया है, तो अभी आप क्लिक कीजिए और डाउनलोड कर लीजिए वरना लिंक गायब हो जाएगा। और दोस्तों जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर करना, साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलना। कल मॉर्निंग को मिलेंगे। ओके।